सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाए मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। नगर विकास विभागाचे मंत्री महोदय, गेल्या 4 महिन्यापासून या फाईलला दुर्लक्ष करतात। ठरल्यानंतर लक्ष्मींचा दर्शन तिकडे झालं कि मग निर्मल बिल्डिंग मधून मंत्रालयामध्ये डायरेक्ट एक फोन जातो आणि तो फोन म्हणजे अभेद अजय फोन गेला की फाइल त्याच दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी क्लियर होऊन जातात। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने इमारत निर्माण के लिए बिल्डरों को प्रीमियम में कुछ छूट देने का फैसला किया था। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार ने MMRDA और महाड़ा समेत अन्य प्राधिकरण के लिए ये छूट लागू की, लेकिन मुंबई के झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यानी कि SRA की परियोजना के लिए ये छूट लागू नहीं की गई। इसके मद्देनजर विधायक मिहिर कोटेचा ने सितंबर 2020 में SRA को पत्र लिखा था, जिसके बाद SRA ने गृह निर्माण विभाग के पास छूट देने के संदर्भ की मांग को लेकर पत्र भेजा, जिसके आधार पर गृह निर्माण विभाग ने नगर विकास के पास फाइल भेजी, मगर अब तक उस फाइल का कुछ नहीं हुआ। इसी संदर्भ में जानकारी देने हेतु मिहिर कोटेचा द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी कि नगर विकास विभाग के सभी अधिकारियों ने फाइल पर हस्ताक्षर कर उसे नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे के पास भेज दिया है। एकनाथ शिंदे के टेबल पर ये फाइल 4 महीनों से पड़ी है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि छानबीन में उन्हें ये पता चला है कि नगर विकास विभाग में सचिव स्तर के अधिकारियों तक फाइल आराम से मंजूर हो जाती है। इसके बाद फाइल निर्मल इमारत में जाती है। निर्मल इमारत में फाइल जाने के बाद संबंधित बिल्डरों को वहां पर जाना पड़ता है, बिल्डरों को लक्ष्मी दर्शन कराना पड़ता है। उसके बाद निर्मल इमारत से मंत्री एकनाथ शिंदे के पास फोन आता है। ये फोन अभेद और अजय है। इस फोन के बाद फाइल तत्काल मंजूर हो जाती है। आता दुर्दैवाने नगर विकास विभागाचे मंत्री महोदय, गेल्या 4 महिन्यापासून या फाईलला दुर्लक्ष करतायत। घोर गरिबांची सरकार म्हणणारे हे मंत्री महोदय घोर गरिबांचा प्रकल्पाला का दुर्लक्ष करतात? खूप चौकशी केल्यानंतर लक्षात आलं की जे काही फाईल आहे नगर विकास विभागात जातात, तिकडचे अधिकारी त्यांना क्लिअर करतात, सचिव क्लियर करतात आणि मग ती फाईल त्यांचा मंत्री महोदयाच्या दालनात जाते। मंत्री महोदयाच्या दालनात ती फाईल गेल्यानंतर परत ती फाईल दुसऱ्याकडे जाते, तर ही दुसरी जागा कोणती? तर चौकशी केल्यानंतर लक्षात आलं की आपल्या विधान भवनाला लागूनच निर्मल बिल्डिंग आहे, हे सर्व फाईल त्या निर्मल बिल्डिंगमध्ये जातात। आणि मग काय घडते? मग त्या फाईली क्लिअर झाले की ज्यांचे फायदे होणार आहे किंवा लोकांचा उद्धार होणार आहे किंवा विकासकाचा फायदा होणार आहे, त्या विकासकांना निर्मल बिल्डिंगमध्ये प्रत्यक्ष जावं लागतं। निर्मल बिल्डिंगमध्ये गेल्यानंतर वाटाघाटी करावी लागतात आणि मग ठरल्यानंतर लक्ष्मींचा दर्शन तिकडे झालं की मग निर्मल बिल्डिंगमधून मंत्रालयामध्ये डायरेक्ट एक फोन जातो आणि तो फोन म्हणजे अभेद अजय फोन गेला की फाइल त्याच दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी क्लियर होऊन जातात। मिहिर कोटेचा ने इस बात का भी खुलासा किया कि नगर विकास विभाग का कोई भी काम मंत्रालय में नहीं होता।
अगर आपको वो काम करवाना है तो निर्मल इमारत में जाना पड़ता है। नामवंत श्रीमंत विकासक त्या गाड्यामधून उतरतात, निर्मल बिल्डिंगच्या आतमध्ये शिरतात, मग मला वाटलं तिकडे सिडकोची ऑफिस आहे म्हणून जात असेल, तर माझ्या एका सहकार्याला मी पाठवलं की जा जरा यांच्या पाठीपाठी मागे बघ कुठे जातात। सहकारी येऊन बोलला, साहेब ते सिडकोच्या ऑफिसला नाही जात, ते प्रायव्हेट ऑफिसला जातात। मग मी आणखी चौकशी केली की जो विकासकाला मी त्या दिवशी तिकडे जाताना बघितलं होतं, 2 दिवसांनी त्यांची फाईल क्लिअर झाली। मग मला लक्षात आलं की नगर विकास विभागाचं काहीही काम मंत्रालयामध्ये होतच नाही, तुम्हाला ते करून घ्यायचं असेल तर निर्मल बिल्डिंगमध्ये जावं लागतं। मिहिर कोटेचाने ऐसा भी इशारा दिया कि अगर एकनाथ शिंदे SRA की परियोजनाओं के बारे में कोई फैसला नहीं करेंगे तो वे 1 मार्च को निर्मल इमारत के सामने आंदोलन करेंगे। मुंबईचा झोपडपट्टीत राहणारे गोर गरिबांची यांना काळीची मात्र काळजी नाहीये, आणि म्हणून आज हे मी सांगू इच्छितो की ही जे 2 फायली आहेत ज्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाला गती भेटणार, वेग भेटणार, ते जर सोमवारी 1 मार्च पर्यंत मंत्री महोदयांनी क्लिअर नाही केली तर मी मंत्रालयावरती नाही तर निर्मल बिल्डिंगच्या बाहेर धरण्यावरती बसेन, कारण काम तर सर्व निर्मल बिल्डिंगमधनं होतात। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।